चलिए बच्चों, आज हम फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर बेटा हमारा रहेगा, इस चैप्टर में हम लोग मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब आप कहेंगे मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्लांट जिन पौधों का उपयोग हम दवाई बनाने में या आयुर्वेदिक दवाई बनाने में किया जाता है, औषधियां बनाने में किया जाता है, उनको बेटा हम औषधि पौधे या मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। जैसे तुलसी, आपने तुलसी की कफ सिरप को लिया होगा, खांसी में काम आती है, तो तुलसी जो है बेटा एक क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर बच्चे इस चैप्टर से पूछा क्या जाने वाला है तो ये देख लेते हैं। ये चैप्टर नंबर 15 है और इस चैप्टर से अगर हम लास्ट ईयर के ब्लूप्रिंट के आधार पर देखें तो टोटल 3 नंबर का पूछा जाएगा। और इस वर्ष भी यही ब्लूप्रिंट आया है कि इस चैप्टर से 3 नंबर का पूछा जाएगा। पिछले साल इस चैप्टर से केवल 1 नंबर के 3 क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वर्ष भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष भी हो सकता है इससे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आए। तो हम यहाँ पर बेटा क्वेश्चनों को लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे, आपको क्या करना है अच्छा से एक नोट्स बनाना है, और अगर कोई डाउट आता है तो हमें पूछना है। ठीक है बच्चे, चलिए सबसे पहला बेटा देखेंगे सोने की जड़ वाली फसल सफ़ेद मूसली है। बेटा सफ़ेद मूसली या वाइट मूसली जो एक क्रॉप होती है बेटा, इसका उपयोग औषधि बनाने में, दवाइयां बनाने में किया जाता है। इसे बेटा सोने की जड़ वाली फसल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जड़ में सोना होता है। इसका मतलब बेटा ये है कि जिस तरीके से सोना हमारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है, उसी तरीके से सफ़ेद मूसली की जड़ें हमारे लिए बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। इसकी जड़ों को सोने की उपमा दी गई है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों में सोने जितनी ताकत है, सोने जितनी शक्ति है, सोने जितनी इसकी जड़ें कीमती हैं। तो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सफ़ेद मूसली को क्या कहा जाता है? तो बेटा सोने की जड़ वाली फसल कहा जाता है। या आपसे पूछा जाएगा बेटा किस फसल को सोने की जड़ कहा जाता है, जड़ की फसल कहा जाता है बेटा, तो आंसर क्या होगा, सफ़ेद मूसली। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ यहीं पर और देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि सफ़ेद मूसली का कौन सा भाग बेटा खाने योग्य हो सकता है, तो क्या बेटा ये नहीं हो सकता, जड़ जो है बेटा औषधि गुण रखने वाला पार्ट जो है बेटा वो कौन सा हो जाएगा, जड़, क्योंकि जड़ को ही तो सोने की फसल या सोने की जड़ें कहा जा रहा है। आगे देखेंगे बेटा, सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट रखना, वानस्पतिक नाम बेटा इसका आपको याद रखना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वानस्पतिक नाम है क्या बेटा? तो वानस्पतिक नाम है इसका क्लोरोफाइटम बोरीबिलियनम। ठीक है बेटे, यहाँ पर इंग्लिश में भी साथ साथ में लिखा हुआ है, तो आप बेटा जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो देखते चले, समझते चले, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक पॉइंट को आपको समझाने की। सफ़ेद मूसली का कुल अगर फैमिली की बात करें बेटा तो लिलिएसी है, सफ़ेद मूसली लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट है। इसकी जो फैमिली है बेटा वो क्या है, लिलिएसी फैमिली बेटा इसकी क्या है, लिलिएसी। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा सफ़ेद मूसली का उपयोग, मतलब सफ़ेद मूसली क्यों उपयोग की जा रही है बेटा, यौन रोग में, मतलब सेक्सुअल डिसीज़ जो होती हैं, इंटरनल डिसीज या सेक्स से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है बेटा उनमें सफ़ेद मूसली काम में आती हैं। और शक्ति वर्धक के रूप में बेटा ये स्टेमिना भी बिल्डअप करती है, स्टेमिना को बिल्डअप करने में सफ़ेद मूसली का उपयोग किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बेटा ज़रूर बताएं बेटा। ठीक है, आगे देखें बेटा, सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है। अब बेटा ये कंदीय फसल क्या होती है, ये ट्यूबर क्रॉप क्या होती है, इसका समझ लीजिए बेटा। मैंने आपको बताया था कि कुछ पौधे की जो तने होते हैं वो बाहर ना निकलकर अंदर ही गठानों के रूप में डेवलप हो जाते हैं, जिसे कंद या ट्यूबर कहा जाता है। जैसे आलू, आलू भी क्या है, एक ट्यूबर है, एक कंद है,
और ये कंद बाहर ना होते हुए अंदर ही क्या हो जाता है, इसका तना जो होता है, जो आप आलू खाते हैं वो एक स्टेम है, एक तना है, और ये तना क्या होता है, बेटा बाहर ना निकल कर भूमि के अंदर ही क्या करता है, मासल हो जाता है, एक फूला हुआ भाग बन जाता है। जैसे बेटा आपने अदरक, आपने हल्दी, ये सब क्या है बेटा, एक कंद है, ट्यूबर है, मतलब ये क्या होता है, तने ही होते हैं लेकिन कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर। इस तरीके से बेटा जैसे आपको दिख रहा होगा ये जमीन के अंदर का भाग है, ये बेटा फूला फूला सा भाग दिख रहा है आपको, इस तरीके से सफ़ेद मूसली होती है। तो आप देखेंगे बेटा ये कैसा है, एक ट्यूबरस क्रॉप है, ट्यूबर है। सफ़ेद मूसली को छीलने के बाद सुखाना चाहिए। बेटा ये आपको जैसे दिख रही है लंबी लंबी सी डंडी सी आपको दिख रही है, इनको बेटा करते क्या है, इनको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद बेटा इनको छील लेते हैं और छील कर इनको सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इनसे बेटा पाउडर बना लेते हैं या कई सारे प्रकार का इसका उपयोग करते हैं। जनरली इसका पाउडर बना लिया जाता है, पीस ली जाती है इनको, और इसका पाउडर जो होता है बेटा वो सेक्स संबंधी डिसीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं ये कहूँ बेटा सफ़ेद मूसली का प्रत्येक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद मूसली में सेपोनिन नामक औषधीय तत्व पाया जाता है। बेटा जो सफ़ेद मूसली होती है उसमें सेपोनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जो औषधीय गुण रखता है। मतलब सफ़ेद मूसली मेडिसिनल या दवाइयों में प्रयोग इसलिए होती है क्योंकि उसमें सेपोनिन पाया जाता है, या सेपोनिन ही बेटा वो तत्व है जो उसमें क्या करता है, दवाई का काम करता है। क्लियर है बेटा? आगे देखेंगे बेटा, सफ़ेद मूसली की जड़ों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हम लोग ये बेटा बात कर चुके हैं, इसकी जड़ों का ही यूज़ बेटा, रूट का यूज़ क्या किया जाता है, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो इंग्लिश में बेटा सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे पढ़ने की तैयारी करें। आगे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे लिखा है ई सब गोल, बेटा सफ़ेद मूसली हो गई, सफ़ेद मूसली के इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, आप बहुत अच्छे से इसको समझें। कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी आपको आगे समझना है ईसब गोल, बेटा अंगली क्रॉप क्या है, ईसब गोल, जिसको बेटा प्लांटेगो ओबाटा बोला जाता है, इसका बॉटनिकल नेम बेटा क्या है, प्लांटेगो ओबाटा है। तो ईसब गोल या ईसब गोल को बेटा ईसब गोल ही कहते हैं। ईसब गोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओबाटा है, ये आपको याद रखना है। ईसब गोल का बेटा वानस्पतिक नाम क्या है, प्लांटेगो ओबाटा, ठीक है बच्चे, क्या है इसका नाम, प्लांटेगो ओबाटा, ये आपको याद रखेंगे। आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे इसका जो कुल है बेटा प्लांटाजिनेसी है, फैमिली क्या बेटा इसकी, प्लांटाजिनेसी, इसकी सबगुल की फैमिली जो है बेटा वो क्या है, प्लांटाजिनेसी है, आप याद रखेंगे। बॉटनिकल नेम मेरे बच्चों क्या है, प्लांटेगो ओबाटा, और फैमिली क्या है, प्लांटाजिनेसी, फैमिली क्या है बेटा, प्लांटाजिनेसी। आगे देखेंगे बेटा ईसबगुल रबी मौसम की फसल है बेटा, इससे ये कौन सी ऋतु की फसल है, ये रबी ऋतु की फसल है, इसको रबी सीजन में बेटा कल्टीवेट किया जाता है। और रबी सीजन में अगर कल्टीवेट किया जाता है बच्चों तो आप दो चीज़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक तो बेटा ये शीत ऋतु की फसल है, ठंडी या कोल्ड सीजन की क्रॉप है, मैंने आपको बताया था ऐसी क्रॉप जो सर्दियों में होती हैं उनको रबी सीजन क्रॉप या विंटर सीजन क्रॉप, विंटर मतलब ठंड होती है बेटा आप जानते होंगे, या बेटा कोल्ड सीजन क्रॉप कहा जाता है, तो ये तो बेटा आपको अच्छे से पता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा मैंने आपको और बताया है कि अगर कोई क्रॉप रबी सीजन की है तो उसकी सोइंग मिड अक्टूबर या 15 अक्टूबर, मिड अक्टूबर बोल दो बेटा या क्या बोल दो, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच की जा रही होगी। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक आपको अगर है तो बताएं, नहीं है तो बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ इसको देख पाएँ। ईसबगोल के बीजों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है बेटा, जो ईसबगोल होती है उसके सीड का यूज़ किसके रूप में किया जाता है, मेडिसिन के रूप में किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि सफ़ेद मूसली का जड़ें यूज़ होती हैं, इसी तरीके से ईसबगोल का सीड यूज़ होता है। और बेटा वास्तविकता में सीड भी यूज़ नहीं होता है, जो सीड होता है, बीज होता है, बीज के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है, एक छिलका पाया जाता है बीज के चारों ओर, समझ में आ रहा है बेटा, बीज के चारों ओर
वाइट कलर की एक क्या उपाय पाई जाती है बेटा, लेयर पाई जाती है, पतली सी परत पाई जाती है। ये भूसी जो होती है बेटा, यही इसबगोल में औषधि गुण रखती है, औषधि का काम करती है। तो इस बात को बेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। इसबगोल की भूसी जो होती है बेटा, सीड के ऊपर का जो सीड कॉट होता है, बीज के ऊपर की भूसी होती है, उसका उपयोग हम एज अ मेडिसिन पर्पज करते हैं, ठीक है बच्चे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे देखेंगे। हाँ बेटा, ये हो गया। इसबगोल सीड आर यूज्ड फॉर अ मेडिसिन पर्पज। ये बेटा सीड की जगह आप सीड का जो कवर होता है उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेडिसिन पर्पज में यूज किया जाता है। तो बेटा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा अगर आप देखेंगे तो देखो यही लिखा हुआ बेटा, इसबगोल का औषधि गुण बीज तक था भूसी में पाया जाता है। भूसी मतलब हस्क होता है, या बेटा हम कहें सीड लेयर जो होती है, सीड के आसपास का जो लेयर होता है उसे हम हस्क के नाम से या भूसी के नाम से जानते हैं। जैसे आपने जौ देखा होगा बेटा घरों में, तो जौ या चावल देखा होगा, चावल के ऊपर जो होता है भूसी पाई जाती है, यहाँ पर ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, भूसी की बात ये कर रहे हैं। आगे देखेंगे बेटा, तो आगे आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे बेटा, इसबगोल के बीज घोड़े के कान के आकार के होते हैं। इसबगोल के जो सीड होते हैं बेटा, उनका आकार घोड़ों के कान के समान होता है। जिस तरीके से घोड़े के कान होते हैं, वैसे ही बेटा इसबगोल के इसबगोल का क्या होता है बेटा, बीज होते हैं। इसलिए इसे अश्वकर्ण भी कहा जाता है। अश्व मतलब घोड़ा और कर्ण मतलब कान, तो अश्वकर्ण यानी कि घोड़े के कान। तो इसका बीज जो होता है बेटा घोड़े के कान के समान होता है, ये देखिएगा बच्चे, इसलिए लिखा है, इसलिए इसको अश्वकर्ण भी कहा जाता है, मतलब घोड़े का कान कहा जाता है, ठीक है बच्चे। इसका आकार है बेटा, देखने में ये कैसा लगता है, घोड़े के कान के जैसा लगता है, इसलिए इसको अश्वकर्ण या घोड़े के कान कहा जाता है इसको, ठीक है बच्चे। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें। इसबगोल की उन्नतशील किस्म निहारिका है बेटा, बिहार का गलत लिखा हुआ है, इसका सही नाम है बेटा निहारिका, है ना, निहारिका, निहारिका लिखना बेटा आप, है ना, इसमें गलत लिखा हुआ आपके, आप सही लिखें निहारिका। इसबगोल की जो किस्म है बेटा वो क्या है, निहारिका। क्लियर है बच्चे, इसबगोल की किस्म का नाम क्या है, निहारिका। तो ये बेटा इतना सा हो गया होगा, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसबगोल के बीजों से प्राप्त भूसी में म्यूसिलेज नामक तत्व पाया जाता है। जैसे बेटा आपने ध्यान दिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने सफ़ेद मूसली पढ़ा था, तो जिस प्रकार से सफ़ेद मूसली में सेपोनिन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसबगोल में म्यूसिलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसबगोल का उपयोग दस्त में, पेचिस में, बवासीर, इन सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल आयुर्वेदिक या जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका उपयोग धीरे 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 बुरे प्रचलन के कारण बेटा धीरे धीरे बंद हो गया है। हालांकि ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थीं और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर काम करती थीं। इसबगोल की बीज दर 10 से लेकर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर जगह में अगर हम इसबगोल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इसबगोल का 10 से लेकर 12 किलोग्राम सीड की आवश्यकता, 10 से लेकर 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है बच्चे। इंग्लिश के भी पॉइंट बेटा वही लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अगर कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिएगा बेटा, अश्वगंधा, क्या नाम बेटा, अश्वगंधा वानस्पतिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिथानिया सोमनीफेरा, क्या नाम बेटा इसका, बिथानिया सोमनीफेरा। आगे देखोगे बेटा, अश्वगंधा की जो फैमिली है बेटा वो है सोलेनेशी। अश्वगंधा का कुल क्या है बेटा, सोलेनेशी फैमिली है, ये सोलेनेशी कुल का पौधा है, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे बेटा, अश्वगंधा का पूरा पौधा औषधीय महत्व रखता है बेटा। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जिसकी जड़, तना, पत्ती, इसके साथ साथ बेटा जो दाने होते हैं, हर एक भाग में क्या होता है, औषधीय गुण पाया जाता है। प्रत्येक भाग इसका औषधीय गुण को रखने वाला होता है बेटा, यही लिखा है। पूरा पौधे का मतलब बेटा जड़ से लेकर दाने तक हर एक भाग में कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, कुछ ना कुछ मेडिसिनल गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है बच्चे। अश्वगंधा में सर्वाधिक औषधि वाला भाग
जड़ है। बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, वैसे तो इसका पूरा का पूरा प्लांट इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरे प्लांट में मेडिसिनल कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक कहें इफेक्टिव जो पार्ट है वो रूट है। रूट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे के पूरे पौधे में कुछ ना कुछ हमें औषधीय गुण मेडिसिनल यूजेस बेटा देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को? आगे देखिएगा बेटा, अश्वगंधा की जड़ में बिथाफेरन ए एल्कलाइड होता है। बेटा बिथाफेरन ए एल्कलाइड होता है, ये भी जैसे बेटा सेपोनिन था, जैसे इसी तरीके से बेटा ये क्या है, बिथानीफेरन ए एल्कलाइड है। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, अश्वगंधा का उपयोग गठिया में, कमर दर्द में, यानी कि ये पेनकिलर है, दर्द को नष्ट करने वाली दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं और इसका उपयोग बेटा दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयों के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चे, देखेंगे आप यहाँ पर बेटा हल्दी है, आपके सामने इमेज दिख रही होगी बेटा, ये हल्दी का पौधा है और हल्दी आपने सभी ने, आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने हल्दी अपने जीवन में ना देखी हो, हल्दी सभी ने देखी होगी। और हल्दी बेटा बहुत अच्छी मेडिसिनल यूज़ में यूज होती है, मतलब बहुत अच्छी दवाई के रूप में यूज़ होती है। इसका वानस्पतिक नाम की बात करें बेटा तो कुरकुमा लौंगा। क्या नाम बेटा इसका? कुरकुमा लौंगा इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ टर्मेरिक और हल्दी बेटा। आगे देखेंगे बेटा, इसकी जो फैमिली है, कुल जो है बेटा वो क्या है, जिंजीवरेशी है। क्या कुल है बेटा इसका? जिंजीवरेशी। क्या नाम है बेटा इसका? जिंजीवरेशी। और हल्दी का मूल स्थान बेटा भारत है, यानी कि इसका जो जन्म स्थान है वो भारत है। और ये इम्पोर्टेंट बेटा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान चूंकि भारत है, इसलिए आपको याद रखना है कि हल्दी का जन्म स्थान बेटा कहाँ पर है? भारत में है, इंडिया में है। अमलापुरम कस्तूरी ये हल्दी की प्रमुख किस्में हैं। ऐसे तो हल्दी की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये दो किस्में जो हैं वो ज़्यादातर बेटा उपयोग में लाई जाती हैं या इम्पोर्टेंट हैं, यूज़फुल हैं। ठीक है बच्चे, तो आप इसको बेटा बढ़िया देखेंगे, हल्दी दिख रही होगी बेटा आपको, है ना? ये हल्दी बेटा इस तरीके की होती है। आपने जो हल्दी देखी है, जो पीले कलर की आपने हल्दी का देखा होगा सीड, लेकिन बेटा वो उस तरीके का होता नहीं है, उसकी जड़ निकलती है और जिस तरीके रूट का कलर होता है, मटमैला कलर, उस तरीके का इसका कलर होता है। बाद में बेटा इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है और प्रोसेस्ड करने के बाद, सुखाने के बाद बेटा क्या होता है, हल्दी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके की जड़ें बेटा शुरुआत में आपको देखने को मिलती हैं और उसका पेड़ भी होता है जो बेटा, जो आपने देखा बेटा अभी, इस तरीके का प्लांट होता है, जैसे आपने केले का पौधा देखा होगा, बस इसका जो इसकी पत्ती होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, ऐसा लगेगा आपको जिस तरीके से प्लास्टिक की पत्ती बना दी गई है, थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसका जो प्लांट है वो जैसे केले का पौधा आपने देखा होगा मंदिर में, है ना, मंदिर के पास में लगे हुए गार्डन में आपने केले का पौधा देखा होगा, सेम उसी तरीके से इसका प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, तो अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि सर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है ना, जो भी है बेटा आप एक बार ज़रूर डिस्कस करें, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या बस ऐसे ही मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और तुम लोग बैठे बैठे हमारी शक्ल देखते हैं। आ जाओ बेटा, लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइबम है। बेटा लहसुन का बॉटनिकल नेम क्या है? एलियम सटाइबम। और लहसुन का उपयोग भी बेटा एज अ मेडिसिनल पर्पज़ किया जाता है, शायद ये भी आपको पता ना हो। मेडिसिनल पर्पज़ में दवाई के रूप में बेटा लहसुन का यूज़ किया जा सकता है। इसका कुल जो बेटा लिलियेसी है, फैमिली बेटा क्या है? लिलियेसी। इसके अलावा लहसुन में एलिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एलिनेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। लहसुन की बीज दर 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में लहसुन लगाने के लिए 4 to 5 हेक्टेयर सीड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चे, तो आज की स्लाइड बेटा मैंने काफ़ी कोशिश की है कि सारे के सारे डायग्राम आपको लगा पाऊँ जिससे आप चीज़ें देख पाएँ। अदरक, अदरक का बेटा इसलिए नहीं लगाया कि अदरक तो इनमें से आप में से कोई भी ये नहीं होगा जिसने अदरक ना देखा हो, है ना? तो अदरक बेटा मेडिसिन है, पता है आपको, खांसी में यूज़ होता है ना? इसका नाम बेटा क्या है? जिंजीवर ऑफिसिनेल। क्या नाम है बेटा? जिंजीवर ऑफिसिनेल इसका नाम है, अदरक का जिंजीवर ऑफिसिनेल। फैमिली बेटा इसकी जिंजीवरेशी है। इसकी कुछ जातियाँ लिखी हैं, सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि बेटा इसकी जातियाँ हैं। इसकी वैरायटी बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं अदरक की वैरायटी से। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे। देखो बेटा ऐसा मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कम पॉइंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ उसको आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है।
अदरक का राइजोम यूज होता है बेटा, भूमिगत तना होता है जिसको हम राइजोम कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी भी फसल का जो भूमिगत तना यानी जमीन के अंदर रहने वाला जो तना होता है उसे राइजोम कहा जाता है। तो इसका राइजोम जो होता है बेटा वो यूजफुल पार्ट है, यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। अगर आपने इतने पॉइंट पढ़ लिए हैं इसका मतलब ये है कि 15 चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते थे मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके साथ साथ बेटा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप लोग क्लास को शेयर करने में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अगर आपको क्लास वास्तविकता में अच्छी लग रही है, क्लास यूज़फुल लग रही है, तो बेटा क्लास को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये क्लास वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक हम इसको पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नए क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।